झारखंड के जिला पश्चिम सिंहभूम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ एवं पिछले वर्षों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर आगामी 15 जनवरी को प्रदेश मुख्यालय पर किसान विरोधी दिवस मनाने के साथ ही राजभवन का घेराव करेगी। बुधवार को कांग्रेस भवन चाईबासा में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र नाथ ओझा ने कहा कि देश के 62 करोड़ किसान निरंकुश मोदी सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ लड़ रहे हैं। कृषक जीवन और आजीविका के लिए करोड़ों किसान पिछले 45 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर भारत में शीतलहर, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण कई किसानों ने अपना जीवन खो दिया है। कार्यकारी जिलाध्यक्ष रंजन वाजपेयी ने कहा कि पिछले वर्षों में डीजल और पेट्रोल की बेतहाशा वृद्धि किसानों और आम लोगों के दुखों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबर राय चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी की ओर से 15 जनवरी को किसान अधिकार दिवस के तहत व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी वरीय कांग्रेस प्रकोष्ठ विभाग संगठन के चेयरमैन अध्यक्षगढ़ 15 जनवरी को राजधानी रांची के राजभवन का घेराव कर किसान विरोधी दिवस एवं पेट्रोल डीजल की बेतहाशा कीमतों में वृद्धि को लेकर विरोध किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, सिंहभूम की सांसद जीता कोड़ा तथा जगन्नाथपुर के विधायक सोना राम सिंह को शामिल होंगे। झारखंड प्रदेश कमेटी के द्वारा पूरे झारखंड के जिला में आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। किसान विरोधी कानून जो केंद्र के मोदी सरकार द्वारा लागू किया गया है, उसी के संदर्भ में आज कुछ कहना है कि यह कानून अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने लाया है। इससे किसानों का कुछ भी भला होने नहीं जा रहा है। किसान आज आंदोलनरत है, किसान मर रहे हैं, सरकार को इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। आज कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, आजादी के पूर्व में भी किसानों के साथ खड़ी थी और आज भी किसानों के साथ खड़ी है। और इसके लिए हम लोग 15 जनवरी को रांची में एक रैली करना जा रहे हैं, किसान अधिकार रैली, और उसमें राजभवन का घेराव करेंगे। पूरे प्रदेश के कांग्रेस गण वहां पर उपस्थित रहेंगे। धरना प्रदर्शन किसानों के आंदोलन के समर्थन में दिया जाएगा। धन्यवाद। माननीय मोदी जी, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा? आपने कहा था कि जब हम सत्ता पे आएंगे तो पेट्रोल और डीजल की कीमत घटाएंगे, लेकिन आपने तो लगभग पेट्रोल में 258% वृद्धि करके और डीजल में 820% एक्साइज ड्यूटी वृद्धि करके ये प्रूव कर दिया है कि आप सिर्फ उद्योगपतियों को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा देना चाहती है। आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं कि जब यूपीए की सरकार थी तब हम लोगों ने 1,32,000 करोड़ का सब्सिडी माफ किया था और लगभग 49,000 करोड़ का एक्साइज ड्यूटी माफ किया था। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, हमें जीने दीजिए और आगे बढ़ने दीजिए। 15 तारीख को राजभवन घेराव में हमारा पश्चिम सिंहभूम से सभी प्रखंड के लोग और जिला कमेटी के लोग जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में रांची जाएगा। दूसरी बात है कि आज जो आंदोलन है किसान की, वो किसान आंदोलन का स्थिति यही है कि आज मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट का माध्यम से किसान के ऊपर दमन करना चाहती है। ये कांग्रेस कभी इसको सहेगी नहीं। और ये जैसे बीएसएनएल, कांग्रेस के टाइम में बीएसएनएल बना और बहुत अच्छी तरह से चला। यूपीए सरकार के बाद जब ये मोदी की सरकार आई तो बीएसएनएल को खत्म करने के लिए, अंबानी का जियो को आगे बढ़ाने के लिए बीएसएनएल को आज एक सरकारी संस्था खत्म हो गई। उसी तरह से मंडी में ये लोग कहते हैं कि मंडी भी रहेगा और ये लोगों का भी मंडी रहेगा, तो वो भी बीएसएनएल की तरह वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए जो है आगे आगे चल के ये किसी कानून, ये काला कानून उठा हो जाना चाहिए। इसको जो है हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं किसान के आंदोलन को, और इसको हम लोग कांग्रेस सरदम समर्थन किया है और करते रहे। अखंड भारत न्यूज के लिए हरि नारायण शर्मा की रिपोर्ट, पश्चिम सिंहभूम।